जी दूसरे मैच, दूसरे हाफ का आगाज और दूसरा मैच पाकिस्तान किस चीज चलती मैदान में। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है जो कि पाकिस्तान की इस टीम को बकअप कर रही है, और कोच रशीद साहब की सरबराही में पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड टीम इस वक्त मैदान में है। और कैप्टन अदील इस वक्त हमारे, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है वो पाकिस्तान का पूल है, और ये दूसरी जानब जो है मुखालिफ जो नॉर्वे की टीम है उनका पूल है, और दोनों साइड तब्दील हो चुकी हैं। और यकीनन एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा और पाकिस्तान इस वक्त अच्छे प्रेशर से आगे बढ़ेगा। और ये जुनेद उबैद अदील आगे बढ़ते हुए, और ये पहला गोल कर दिया दूसरे हाफ में। बहुत जबरदस्त गोल, बहुत ही अटैकिंग, बहुत अटैकिंग जबरदस्त किस्म का। ये 3-0 से इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है मैदान में है, और बहुत अच्छे कोच रशीद। शाहिद का एक बहुत ही शानदार गोल हुआ है, और बहुत बहुत शुक्रिया जी इब्तिसाम जाहिदी साहब आपका, अलिफ खान साहब और जिगर तमाम लोग हैं, इसको जरूर शेयर करें ताकि ये मैदान का जो एक पैगाम है ये हर जगह पहुंच जाए। और यकीनन कल हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इस पेज पे इंगेज थी, आज भी तमाम लोग जो देखने वाले हैं वो शाहिद ने जी गोल किया है, और शाहिद एक बड़े मायनाज उभरते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी होंगे इंशाल्लाह। और अटैकिंग पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान के गोलकीपर बड़े ही शानदार अंदाज में खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। अदील से, अदील को बकअप कर रहे हैं, फिर उसके बाद जुनेद है, जुनेद के बाद उबैद बहुत जबरदस्त प्लेयर है जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में चीजों को आगे कर रहे हैं। और यकीनन एक जुनेद को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कोच साहब के पीछे की तरफ जाकर खेला जाए ताकि अपनी बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस वक्त दूसरी टीम भी बड़ी अटैकिंग पोजीशन में आ गई है, क्योंकि जाहिर बात है उनके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त मौका है कि वो अपने आप को मनवा सके। और मेरे इस मैच की पिछली जानब बहुत ही छोटे बच्चों का मैच हो रहा है, मेरे ख्याल से ये 10 साल की जो खिलाड़ी हैं ये वो हैं जो इस वक्त वहां पर मैच खेल रहे हैं। अगर आप देख सकें तो 10 साल की जो उम्र के खिलाड़ी हैं उनको बेसिकली वो कैटेगरी सामने है। तो ये जी क्या खिलाड़ी हैं जी अपना जीशान जिन्होंने अभी गोल किया, शायद जी शर्ट शर्ट नंबर बताया जाए, शायद अंजुम जो है 14 नंबर पे हैं, और इस वक्त बहुत जबरदस्त। दूसरी टीम को क्या देखते हैं जीशान आप, किस तरह उनके आज खेल को आप इस वक्त? देखिए वो अच्छे खेल रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकली वीक हैं, जैसे हमारे जो प्लेयर हैं बॉल को छोटे छोटे पासेस में खेलते हैं, ऐसे इनको फुटबॉल खेलना चाहिए लेकिन वो शायद टेक्निकली थोड़े वीक हैं तो इसलिए वो उनको ज्यादा हमले हो रहे हैं। स्कोर इस वक्त हमने पिन किया हुआ है 3-0 है, और बड़ी अटैकिंग पोजीशन है पाकिस्तान की। अदील के पास एक बहुत ही अच्छा मौका, अदील गेंद को
बॉल को बहुत बेहतर अंदाज में ट्विस्ट कर रहे हैं। गनी की जा रहे 30 नंबर प्लेयर और गनी बहुत फुर्तीले हैं और एक अच्छा मौका मिला, लेकिन टीम जो है इस वक्त असद नासिर नेद हैं, उबैद हैं, सब जबरदस्त। गोलकीपर का नाम आर्यन है, आर्यन इस वक्त अच्छा। आर्यन से पहले आपको याद होगा जो पिछले साल हमारे साथ स्ट्रीट चाइल्ड टीम थी, तो साहिल खटक हमारे बड़े जबरदस्त गोलकीपर थे और इस वक्त वो वापदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये मैदान पहुंचों का खासा है कि हमने बच्चों को ट्रेन करके कौम के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले कर रहे हैं ताकि ये बच्चे अपने अच्छे मुस्तकबिल पे आगे जा सके और ये मौका इन बच्चों के लिए अपने आप को मनवा सके। पांच नंबर की शर्ट पहने अदील कौमी फुटबॉल टीम के, कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम के इस वक्त कैप्टन भी हैं और पाकिस्तान की कौमी टीम में भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। जी बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ सैफुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी दुआओं से और आपके बकब से, आपके पॉजिटिव मैसेज से कि बच्चे शाम को देखते हैं, जब आप मैसेज करते हैं तो उसमें खुशी होती है कि प्रोजेक्ट मैदान के इस पेज पे जब आप अपने अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं तो यकीनन उनको भी खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे साथ एक बार पॉजिटिव अंदाज में तआमुल भी कर रहे हैं और एक अच्छा जो है वो सोच रखते हुए पाकिस्तान की बात करते हैं। उबैद, गनी, अदील बहुत ही जुनेद बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं। असद नासिर, अदील ने फैसला किया कि वो इस वक्त शो करवाएंगे। गनी को बड़ा अच्छा पास दिया और गनी आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छा डिफेंड किया गोल को मुखालिफ टीम ने। दूसरा हाफ यकीनन मैं देखता हूँ अक्सर के बच्चे जो है ना वो थक जाते हैं और लेकिन हमारे बच्चे जो है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ, हौसलों के साथ और एक तवानाई है। मुझे तो कोई बच्चा अपनी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह थका हुआ नहीं लग रहा, ये अल्लाह का बड़ा करम है। और ये टीचर्स की और हमारे जो ट्रेनर्स हैं और जो कोच हैं ये उनकी मैं मतलब बड़ी अच्छी काविश है। क्यों विशांत क्या कहते हैं आप? और यहाँ पर भी इस ट्रेनिंग को हम खातिर में ला रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं ना इसी तरह। ओ अच्छी कोशिश थी बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब तो कमर अता कमर भाई हम आपको मिस कर रहे हैं, आसिफ भाई हम आपको मिस कर रहे हैं और उसके बाद अली भाई मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और थोड़ा काम आपका, एक बच्चे की तारीफ और भी कर दें आप, और साले 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 बहुत जरूरी है। आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं, आसिफ भाई हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और उसके बाद साले आपने बहुत काम किया है, अली भाई आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पिछले साल आप हमारे साथ थे, और ये सब कमर था ये सब वो भाई हैं अभी भी हमारे साथ हैं और लगातार हमारे साथ चीजों को मैनेज कर रहे हैं और चीजों को बेहतर अंदाज में। लेकिन
तीन दफा काविशें की है जी, तीन काविशों के बावजूद बड़ा अच्छा मौका मिला मैं समझता हूँ कि हमारी टीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जबरदस्त 14 नंबर प्लेयर, आगे बढ़े और बेहतरीन जो है इस खेल को, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि इस वक्त बहुत बड़े जोश खरोश से आगे बढ़ रहे हैं और कमाल जो है वो चीजों को खेलने का मौका मिल रहा है और हमारे जो नौजवान हैं वो बेहतरीन अंदाज में इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं और टाइम भी जो है ना वो दूसरा हाफ का जो है वो आगे बढ़ रहा है तेजी से और जो हमारी टीम है वो इस वक्त फुल मैदान में जोर शोर के साथ आगे बढ़ रही है ताकि कुछ ना कुछ जो है वो डिफेंड भी करें और दूसरी टीम की कोशिश है कि वो तीन गोलों का मुकाबला करे। बैट बहुत अच्छे प्लेयर नंबर टू शर्ट पहने हुए और कोच जो है बेहतरीन बकअप प्लान करते हुए जी बहुत हैवी आपका कैमरा है विशान, पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसको नीचे रखा जाता है और खास तौर पे मैं यहाँ पर जो हमारे सगे प्रोजेक्ट मैदान के लिए सपोर्टिव जिनका रोल है जनाब राजा अरसलान नुसरत साहब का और सगे जावेद गिलानी साहब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिनकी काविशों से इस वक्त ये टीम इस मैदान में उतरने के काबिल हुई है, जिनकी सपोर्ट से इन बच्चों के लिए तमाम चीजें मैनेज हुई हैं और ये तमाम फेरा हमारे दूसरे मैच के तमाम वर्कर्स को जाता है, तमाम टीम मेंबर्स को जाता है, तमाम वॉलंटियर्स को जाता है और जो किसी न किसी अंदाज में स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के इस एजेंडे पे हमारे साथ है और हमें बकअप करते हैं और उन बच्चों को जाता है। एक अच्छा कोच गोल करने की एक अच्छी काविश थी लेकिन ओके हमारे इस मैच को जो है वो हमारे पैटर्न चीफ जनाब श्री लखती हसनैन शाह साहब भी देख रहे हैं और यकीनन उनकी दुआओं से और उनकी सरपरस्ती से हमारे ये बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं और उन्होंने हमेशा और ये बहुत जबरदस्त गोल, बहुत अच्छा गोल मोहम्मद खान 8 नंबर खिलाड़ी और कल भी इस खिलाड़ी की जो है ना बड़ी तारीफ जो है मैदान में उतरी और जो यहाँ के प्रोफेशनल जो ट्रेनर्स थे उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी है कि जिसके अंदर एक अच्छे खिलाड़ी होने की तमाम जो है वो क्वालिटीज मौजूद हैं, जिस अंदाज में ये खेल का मुजाहरा पूरे मैच में करते हैं। तो 4-0 से इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आगे है और बढ़तरी हुई भी है और निशान साहब मेरे साथ मौजूद है फुल सपोर्टिव रोल में, इस वक्त खिलाड़ियों को देख भी रहे हैं और मीडिया के काम भी जो है वो फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं। अवैस सैयद मोहम्मद अवैस की तरफ अगर आप कैमरा मोड़ें तो टीम मैनेजर हैं और इस वक्त टीम को लीड कर रहे हैं और अपने खिलाड़ियों की तमाम चीजों को जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह इनको शाम को जब डीप ब्रीफिंग होगी तो कोच साहब के साथ ये सारे बैठेंगे दोस्त और इंशाल्लाह इनकी तमाम खामियों को भी जो है परखा जाएगा। आज के मैच की हैंडबॉल हुआ है और अच्छा कुछ हैंडबॉल नजर नहीं आते यहाँ पर क्योंकि ये इतने मैचेस हैं तो इतने मैचेस को हर अंदाज से कवर करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है लेकिन टेक्निकली बहुत ही जबरदस्त इनकी जो है ना वो आई वॉचिंग है और क्या खूबसूरत डॉज दिया जी, क्या खूबसूरत डॉज दिया है हमारे गनी बहुत अच्छा प्लेयर है जी और ये बहुत जबरदस्त गोल किया जी, अदील कमाल है भाई, क्या स्टाइल था जी, क्या स्टाइल था, क्या स्टाइल था, बैक फ्लिक करके जी बहुत जबरदस्त जो है ना गोल के मजा आ गया जी, आज का एक शानदार गोल है जी। ये बहुत जबरदस्त कमाल हो गया जी, गोल दोबारा नहीं हो सकता मुश्तवा साहब की स्पेशल आई ऑन योर कैमरास।
जी पांच गोल हो चुके हैं जी। रिजान साहब की क्या हो रहा है, मैदान तो सज गया है। निशान आप बिलावल को भी शुक्रिया कह दें, फिर वापस राहत हो जाएगी। देखिए मुझे याद है, मैं इसलिए आपको याद, और कमर उताज अगर आपने नाम नहीं लिया, स्पेशल नाम ले, और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और सब इनका पूछ भी रहे हैं जी। जी जी यस। आपने तो मैदान का जबरदस्त किस्म का जो है ना वो पेज पे अपडेट किया है। बहुत खूबसूरत मौसम है आज ही, बड़ा जबरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है, और ये इत्तेफाक ऐसा है कि पिछली दफा जब हम आए थे यहाँ पर बारिश हो रही थी, और आज आस्ट्रो ट्रफ पे मैंने पहले ही कह दिया था जुनेद, गनी के पास, ओ माय गॉड, ये गनी फिर उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, बड़े जबरदस्त ट्रिक्स का मुजाहरा भी कर रहे हैं जी। क्या जबरदस्त खेल का मुजाहरा है, मजेदार खेल जो है ना देखने को मिल रहा है। कप्तान मैदान में है जी, और अभी इनकी किक से साबित होगा कि ये किक फॉर होप है, और ये बॉल इस वक्त मैदान से बाहर हो चुकी है। कौन लोग जी मैदान का इस वक्त जो है वो 5-0 है, अच्छा हेड किया जी मोहम्मद खान ने, और 5-0 से बढ़तरी हासिल है जी। जगत शाह साहब कह रहे हैं कि वो थक गए, और यकीनन खिलाड़ी जो है वो इस वक्त हाँ वो भी आप कल का 11 बजे है हमारा मैच, उसके बाद भी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जीशान आपका, और बेहतरीन इस वक्त जो है हमारे मावन बने हुए हैं जी। अवैस ने मुझे बड़ा अच्छा निशानदेही की है कि फलस्तीन की टीम जो है उस तरफ खेल रही है, और उनकी लड़कियों की टीम है ये, और फलस्तीन के लिए हम सब एक हैं, और यकीनन इस मुश्किल हालात में उनका यहाँ पर पहुंचना नॉर्वे में एक बहुत खुशाइन बात है, और बहुत ज्यादा सपोर्ट है, बच्चे मौजूद हैं जो उनकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड हाफ के कुछ लम्हात बाकी हैं, और यकीनन
بڑے اٹیکنگ ہے جی اس وقت, اور اسی ہاف پہ جو ہے نا پورے کھیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں. او ہو ہو ہو, غنی کیا ایک اچھی کک, لیکن میدان سے باہر. آخری کچھ منٹس جو ہے وہ اور ایک اچھا موقع ملا پاکستان کی ٹیم کو, لیکن کک فار ہوپ جو ہے وہ لگانے میں ناکام رہے, اور یہ فٹ بال جو ہے وہ میدان سے باہر ہے. اور میں یہاں پر اپنے زین فور ہارٹس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس پروجیکٹ میدان کو سپورٹ کیا, اور اس پروجیکٹ میدان کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے ہم جو سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے اس وقت ٹریول پارٹنر تھے, ٹریول کٹ کے پارٹنر تھے, اس میں زین فور ہارٹس کا بہت شکریہ ہے. اور زین فور ہارٹس بھی پاکستان کے اسٹریٹ چائلڈ بچوں کے ساتھ ہے, فارورڈ اسپورٹس پی آئی اے, جن کا بیت کی بڑی زبردست ہیڈ لگایا ہے. ان بچوں کو لے کے آگے چل رہی ہے اور ان کی سرپرستی کر رہی ہے, اور کوچ رشید صاحب جو ہیں وہ جس انداز سے اخلاص کے ساتھ ان بچوں کی کوچنگ کرتے ہیں, ان کی جو کہتے ہیں نا اس کو اخلاقی تربیت جو ہے وہ ساتھ موجود ہوتی ہے ان بچوں کے لیے. بچوں کو ایک احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, پاکستان کا نام روشن کرنا. وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں بچوں کے اندر بہت بڑی مضبوطی کے ساتھ موجود ہیں. یہی بچے آگے بڑھ رہے ہیں, پاکستان نیشنل ٹیم تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. آخری کچھ لمحات ہیں جی, اور شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان کے یہ بچے کس سے کم نہیں ہیں, اور پاکستان کے کھلاڑی اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں, اور ایک اٹیکنگ پاکستان کے خلاف کوشش کی جا رہی ابھی آئی ہے ہماری. تمام لوگوں کا شکریہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے اس پیغام کو شیئر کر رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں. احسن, جاوید, صف اللہ, یہ ہمارا کڈ چلڈرن کا ایک ایجنڈا ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں بار بار, رائٹ ٹو پلے, رائٹ ٹو آئیڈینٹی اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیٹ. ہم اس ایجنڈے کو اس لیے لے کے چل رہے ہیں کہ کوئی سے بات نہیں کر رہا, پر فٹ بال ایک ٹول ہے جس ٹول کے ذریعے ہم بچوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک فٹ بال جو ہے ہماری گلی کوچوں میں کھیلنے والے بچے جو ہیں ان کو 22 بچوں کو انگیج کر دیتا ہے. تو ایک اچھی کوشش, لیکن غنی اس کو نہ پکڑ پائے, کک لگانی تھی. غنی خان 12 نمبر کھلاڑی, 8 نمبر کھلاڑی سے جو ہے ریپلیس ہو رہے ہیں دانیال اس وقت میدان میں.
और आखिरी कुछ लम्हात हैं जी, 5-0 से पाकिस्तान की बढ़तरी है। बलोच के लिए जो दुआएं, तैयारी के खिलाड़ी हालांकि ये टीम देखने को तो बड़ी दुस्त लग रही थी जब ये मैदान में आए, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उस खेल का मुजाहरा नहीं किया और पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन ट्रिक्स का जो है मुजाहरा किया। और असद नासिर इस वक्त डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान को, ईसा खिलाड़ी जख्मी हो गए और इनको उनके जो जी नेत की एक जबरदस्त किक, किक फॉर द होप और आखिरी लम्हात कॉर्नर आखिरी लम्हात में पाकिस्तान की टीम के लिए टीम्स मौजूद हैं, अगली टीमें भी मैच में उतरने के लिए तैयार हैं जिनसे अगला मुकाबला इसी ग्राउंड में होगा। लम्हा में लम्हा यहाँ पर जो है वो टीमें उतर रही हैं मैदान में और हर मैदान में एक नया मुकाबला, तकरीबन 5,000 से जायद मैचेस जो हैं वो इस ओस्लो की सरजमीन पर खेले जाएंगे और आज का ये मैदान भी बड़ा तारीखी है। तो इसमें अगर मैं छोटे बड़े तमाम ग्राउंड्स की बात करूं तो तकरीबन कोई 18 ग्राउंड्स हैं जी इसमें, जहां पर फुल 11 साइड मैच खेला जा सकता है। और अदील ने एक अच्छी कोशिश की लेकिन बड़ा जबरदस्त रोका हमारे मुखालिफ नॉर्वेजियन टीम के गोलकीपर ने, और यकीनन एक अच्छी ट्रेनिंग है और यहाँ तो बच्चा बच्चा फुटबॉल खेलता है और यहाँ पर बच्चों की अगर आप देखें उनकी फिजिक, उनकी हाइट, यकीनन हमारे अमूमी बच्चों से वो बहुत वो है, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट चाइल्ड टीम के जो बच्चे हैं ये भी किसी से कम नहीं। पहले ग्रुप का आज दूसरा मैच है और कल आखिरी मैच है और इरफान पठान एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो मैच को देखने के लिए मौजूद है। और ये एक गोल किया मुखालिफ टीम ने, यकीनन एक बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया है और स्पोर्ट्समैनशिप 5-1 बड़े फुर्तीले अंदाज में आगे बढ़े और पाकिस्तान टीम भी खुश थी और ज्यादा जोश जज्बा इनको आ गया था और उससे आपको पता है ये तमाम नर्व्स की ये जीत होती है
आज इस वक्त पाकिस्तान की टीम मैदान में उतर चुकी है और इस वक्त कम्युनिटी जो है वो बच्चों को बकअप कर रही है और ये राइट लेफ्ट में हमारे काफी सारे बहुत शुक्रिया। ये देखिए काफी कम्युनिटी जो है इन बच्चों के मैच को देखने के लिए पीछे मौजूद है और ये सारा इसको जी सर क्या कहना चाहेंगे मैदान के पेज पे। बहुत खुशी हो रही है जी, आप तो विजिट आए हो गए इधर 3 महीने के लिए, 10 दिन रह गए हैं। पाकिस्तानी टीम ने जीत लिया मैच, कल भी जीता था आज भी जीता है, बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी। मुझे मुबारक हो आपको जी अदील, मुबारक हो आपको मैदान की पेज पर लाइव है। पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA वेदान फॉरवर्ड स्पोर्ट्स और हम TV एंड प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हमारे साथ GTV मौजूद है। जुनेद पश्तो में कुछ बोल दो। देर मुबारक, देर 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 देर।